हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्वेस्टर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो आज नहा धो के, रेडी होके, पूजा पाठ सब करके अब मैं करने वाली हूँ दिवाली की सफाई की स्टार्ट, क्योंकि दिवाली की सफाई बहुत लंबी चलती है और एक दिन में इतने सारे काम नहीं हो सकते। तो मैंने डिसाइड करा कि एक काम करती हूँ, एक एक पार्ट को डेली लेती हूँ। तो आज का जो मेरा पार्ट है फिलहाल अभी का, वो है किचन। किचन इज अ पार्ट जो ज्यादातर सबसे लास्ट में चूज किया जाता है, बट मैं सबसे पहले करने वाली हूँ ताकि मेरी एक टेंशन खत्म हो जाए। तो इसलिए आज का पार्ट है किचन, और किचन भी बॉक्सेस नहीं, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ। आज जो मुझे क्लीनिंग करनी है, एक तो ये जो मैस है इसको ठीक करना है, दूसरा मैस यहाँ पर है इसको ठीक करना है, तीसरा मैस यहाँ है इसको ठीक करना है, अगला मैस यहाँ पर है इसको ठीक करना है, तो उसके बाद वाला मैस, वैसे ये मैस नहीं है, बस इसके तो डब्बे क्लीन करना है, वैसे तो सेट ही है। फिफ्थ पार्ट इसको क्लीन करना है, सिक्स्थ पार्ट इस जगह को कम करना है, मतलब जितना सामान है ना मुझे ये सब हटाना है। अब मैं कहाँ सेट करूंगी मुझे पता नहीं, क्योंकि वैसे ही थोड़ा सा स्पेस इशू है किचन में। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये वाला, ये जो मैस है ना ये बहुत ज्यादा है, इसको क्लीन करना है। तो इतना सारा मैस कितनी देर में ठीक होगा, कितना टाइम लगेगा मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी 11 बजने वाले हैं, 2:30 बजे से क्लास, ट्यूशन हो जाएगी, 3 घंटे तो मैं लेके चल सकती हूँ, कि 3 घंटे तो है मेरे पास, 3 आवर्स सारा टास्क कंप्लीट करना है। सो लेट्स स्टार्ट। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन की सफाई करने के लिए, और किचन की सफाई करने के लिए सच बताऊँ तो बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है, क्योंकि एक बड़ा सामान है उसको हटा के क्लीन करना थोड़ा सा इजी होता है, रादर देन इतनी सारी छोटी छोटी चीज़ों को हटा के साफ़ करना। तो बस इसीलिए किचन साफ़ करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट सा लगता है, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, चम्मच, कटोरी, छोटे छोटे टिफ़िन, छोटी छोटी प्लेट्स, ये सब हटा हटा के क्लीन करना, उनको सेपरेट करना। और सच बताऊं तो कितना भी आप किचन सेट कर लो, विद इन 1 वीक वो वापस से वैसी ही हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर किचन में काम है ना बहुत जल्दी जल्दी में किए जाते हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग चलना होता है, तो उस अकॉर्डिंग बहुत जल्दी जल्दी काम होते हैं, और उस जल्दी जल्दी में हम बिल्कुल ये बॉदर ही नहीं करते कि हम कौन सी चीज़ कहाँ रख रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी होता है, कि बस ये होता है कि फटाफट से जो काम है उसको टाइम पर ख़त्म करना है, बाकी चीज़ें बाद में सेट करते रहेंगे, और वो बाद में करते करते वो इतना एक्सेस हो जाता है कि फिर उसको क्लीन करने में लगते हैं कम से कम 2 से 3 घंटे। और सेम सिचुएशन ये मेरे साथ यहाँ पे भी हो रही है। किचन मैंने ठीक करी थी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मुश्किल से 8-10 दिन हुए थे, और उसके बाद फिर से उतना ही मैस हो जाता है। तो हर 15 दिन में एक बार मुझे किचन की पूरी डीप क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और सबसे बुरा हाल होता है ये काउंटर टॉप का, कितना भी मैं उसको ये सोचूं कि नहीं इसको खाली ही रखना है मेरे को, बहुत ज़्यादा नहीं भरना, क्योंकि किचन में स्पेस कम है, तो मैं चाहती हूँ थोड़ा खाली ही रहे तो बेटर है, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर से उतना ही भरा हुआ दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि अब दूसरी चीज़ों को रखने की जगह ही नहीं मिलती। तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ यहाँ पे हो रहा है, करने की कोशिश कर रही हूँ कि कितना किचन सेट हो सकता है कर दूँ, लेकिन मुझे पता है 10 दिन बाद, मतलब दिवाली आते आते तो मुझे फिर से दोबारा एक बार करना ही पड़ेगा, बहुत डीप क्लीन नहीं तो ऊपर से तो सारा ठीक करना ही पड़ेगा। और इन्हीं सब रीजंस के चलते मैंने यही डिसाइड करा था कि किचन मुझे सबसे पहले स्टार्ट करनी है, क्योंकि एक बार किचन हो जाएगी ना तो ऐसा लगेगा कि जितना काम है ना उसका कम से कम 50% काम ख़त्म हो गया, क्योंकि बाकी 50% डस्टिंग होती है, सामान हटाया, क्लीन करा, बाकी थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह सेट कर दिया, वार्डरोब सेट कर दिया, बस यही होता है। तो फाइनली यहाँ पर आके मैंने काउंटर टॉप को पूरा खाली करके क्लीन किया है, और अभी भी बताऊं तो एक काम अभी भी रहता है कि जो डब्बे हैं वो क्लीन होने हैं, डब्बे मैंने नहीं धोए थे, अभी से सेट करा है सामान ताकि धो के मैं दोबारा रखूंगी। और यहाँ पे ये देखिए पूरा इस तरह से सेट करा है मैंने, और ये जो बड़ा सा ये बॉक्स निकाला है ना, ये मंदिर में रखा था तो उसको निकाला मैंने,
ये इतना बड़ा जो बॉक्स रखा हुआ है तो ये डन है, तो मंदिर में से हटाया। अभी मंदिर का सामान सेट करके आना है मेरे को, और कुछ प्लेट्स मैंने हटाई हैं यहाँ से, थोड़ी सी ही रखी हैं, बाकी सारी हटा दी। कुछ कटोरी यहाँ रखी, टिफ़िन्स रखे, बाकी जो बड़े बर्तन हैं वो इसमें रख दिए। और मुझे पता है ये थोड़े दिन में फिर से वही हाल हो जाएगा कि मैं इधर उधर कर रही होंगी सारा। अभी ये पोर्शन मैंने नहीं करा है, उसको मैं नेक्स्ट डे के लिए छोड़ती हूँ। ये पोर्शन भी नहीं करा है, इसको भी छोड़ दिया अभी मैंने, इसको भी मैं बाद में करूँगी क्योंकि एक दिन में इतना नहीं हो पाता। और ये भी बिल्कुल सेट हो गया है, और काउंटर टॉप बिल्कुल परफेक्ट जैसा मुझे चाहिए था, बिल्कुल खाली। और ऐसा ही कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कितने दिन रह पाता है, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर की साइड क्लीन करने के लिए, क्योंकि नवरात्रों के बाद मैंने सामान थोड़ा ऐसे ही रख दिया था, और जो बॉक्स मैंने चम्मच वगैरह के लिए रखा था किचन में वो यहीं से मैं लेके गई थी, उसका सामान यहाँ पे निकाल दिया था। तो अब उस सामान को सेट कर रही हूँ, उसके लिए एक बड़ा सा बॉक्स निकाला है। अभी सिर्फ सामान सेट कर रही हूँ, अभी ना तो मैंने बॉक्स पे कवर चढ़ाए हैं, क्योंकि जब ये क्राफ्ट का सामान मैं रखती हूँ और ये क्राफ्ट का काम शुरू करती हूँ ना, तो इट टेक्स अराउंड 4 to 5 days सारा सामान बाहर निकला रहता है क्राफ्ट का, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, उनको बार बार उठा के अंदर बाहर मैं नहीं रख सकती, तो इसलिए मैं एक ही साथ सारा काम करती हूँ। जितने भी डब्बे कवर करने हैं वो कर देती हूँ, जितने क्राफ्ट बनाने हैं वो बना देती हूँ, तो ये सारा काम मैं एक साथ ही स्टार्ट करूँगी। और ये मैं प्लेट जो दिखा रही थी ना, ये प्लेट मेरे को डेकोरेट करनी है, मुझे एक मंदिर के लिए ना अच्छी सी आरती की प्लेट बनानी है, तो उसका भी काम करना है। और बाकी यहाँ पे मैंने सारी सेटिंग कर दी है अपने अकॉर्डिंग, तो जितने मुझे समझ आया थोड़ा बहुत तो कर ही दी। और यहाँ पे कन्नू भी आ गया था, जहाँ जहाँ मैं रहूँगी वो पीछे पीछे वहीं आ जाएगा, चाहे मैं उसको कितनी भी अच्छी कार्टून में बिज़ी कर दूँ, लेकिन उसको मेरे साथ साथ पीछे पीछे रहना होता है। अब यहाँ पे वो अपना डांस करके दिखा रहा है, राइम गा रहा है, तो यहाँ पे बेबी शार्क चल रहा है, कभी कुछ कभी कुछ, तो यहाँ पे मस्ती चल रही है उसकी पूरी। और बल्कि इस टाइम इसको कोल्ड हो रहा है, लेकिन बच्चे हैं ना, कुछ भी प्रॉब्लम हो मस्त रहते हैं। बोलो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। ऑरेंज नहीं खाना, आपको कोल्ड हो रहा है। कोल्ड में ऑरेंज नहीं खाते ना? नहीं खाते, सब मना कर रहे हैं। ऑरेंज नहीं, हम आपको पराठा खिलाएंगे। पराठा खिलाएंगे। ऑरेंज खिलाएंगे। आपको कोल्ड हो रहा है ना, तो कोल्ड में ऑरेंज नहीं खाते। खांसी भी हो रही है, उसमें भी ऑरेंज नहीं खाते, तो हम आपको पराठा खिलाएंगे। पराठा, पराठा, पराठा खाएंगे। वेरी गुड। कल जो आपने बहुत सारा दही खाया था ना, इसीलिए आपको कोल्ड हो रहा है, खांसी हो रही है। जो आपने जिद कर करके दही खाया था ना, इसलिए आपको कोल्ड हो रहा है। कल इसने बहुत सारा दही खाया है और जिद कर करके खाया है, यही खाना है मुझे, और चम्मच से ले लेके दही खाया रात को। रोटी दही, रोटी दही। अभी भी रोटी दही, दही नहीं खाएंगे, पराठा सब्जी खाएंगे। और यहाँ पे ना हम दशहरा वाले दिन शाम को निकले थे जलेबी वगैरह लेने के लिए, तो हमारे घर के थोड़ा सा पास में ही यहाँ पे बच्चे ना ये प्रैक्टिस करते रहते हैं डांस की, तो बड़े अच्छे अच्छे स्टेप कर रहे थे, तो मेरा मन करा मैं थोड़ा सा कैप्चर करती हूँ। बहुत ही अच्छे स्टेप कर रहे थे, और मतलब मुझे तो इन स्टेप्स के नाम भी नहीं पता जो ये कर रहे थे।
और यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी सी क्लिप दिखा रही हूँ। हमने ना धानी को तोरी खिला दी थी और तोरी खाने के बाद इस लड़की का हाल देखो, मतलब बच्चों का तोरी खाने के बाद ऐसा हाल हो सकता है, यू कैन इमेजिन। तो मैंने बोला मैं ये कैप्चर ज़रूर करूँगी धानी, तो तोरी खाना स्टार्ट कर दे, नहीं तो ऐसे ही दिखाऊँगी यूट्यूब पे। तो यहाँ पर ना दशहरा वाले दिन हम थोड़ा मम्मी के आ गए थे, थोड़ा मस्ती करके बस रात को निकले थे करीब 10 बजे। तो पता नहीं, ऐसा लगता है कोई भी फेस्टिवल हो कुछ हो, जब तक फैमिली साथ नहीं होती ना वो फेस्टिवल हमेशा अधूरा रहता है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे थे और हमने सोचा चलो क्यों ना थोड़ा सा बाइक पे घूमते हुए चले, थोड़ा मस्ती करते हुए। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं था, अराउंड 9:45 हो रहे थे। कनेश तो बहुत इन्जॉय करता है बाइक पर, वो आगे बैठ के उसको ऐसा लगता है मैं ही बाइक चला रहा हूँ। और ये रात में भी ड्राइव करने का अपना मज़ा है, क्योंकि इतनी खाली खाली रोड्स और बाइक पे लग रही थी ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि आजकल इतना ठंडा मौसम है। तो बस ऐसे ही मस्ती करने निकले थे। तो ये था आज का व्लॉग दशहरा का। तो कुछ ऐसे मनाया मैंने दशहरा सफाई करके और थोड़ा सा मम्मी पापा के साथ। तो होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।